हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर। मैं हूँ रेखा प्रयागराज से। आज आपको हम दिखाने वाले हैं जिस तरीके से आईब्रो करेंगे, वैसे ही साथ ही साथ बताते हुए चलेंगे कि काफ़ी टाइम हो गया है आईब्रो की वीडियो डाले। कुछ लोग नए हैं चैनल पर तो उन्हें आज हम डिटेल में ये आईब्रो किस तरीके से करते हैं, फिनिशिंग कैसे लाते हैं, वो सारा कुछ आज हम डिटेल में बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिएगा। चलिए अभी हम कर रहे हैं, बैक कैमरे से आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आईब्रो की शेप से इस एक्स्ट्रा जो लेंथ होती है इसको हम सबसे पहले सीधा एक्स्ट्रा रफली कट करते हैं। अभी बहुत फिनिशिंग के साथ नहीं करेंगे, ठीक है। अभी क्या है, इसको हम पहले नहीं कट करेंगे। जब यहाँ से हेयर्स को निकालेंगे तो बीच में फंस कर अपने आप निकल जाएगा, तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बीच में स्पेस हो जाता है। तो अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा पाउडर लगाएंगे, थोड़ा सा ऑयल पर, और जो नमीपन है उसको ख़त्म करने के लिए हम पाउडर लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं थोड़ा बहुत इनको पहले ऊपर से निकालेंगे। ऑलरेडी आईब्रो बनी हुई है, थोड़ा थोड़ा करके निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको इस वाले इससे जो है ऐसे फिनिशिंग से लाना है और फिर एक लाइन क्रिएट करनी है, फिर उसी के अंदर बाल सारे इस कैंची में, आपको इसको कैंची बोलते हैं, और इस तरह से आपको इससे आपकी फिनिशिंग एक लाइन जो बनती है ये बहुत शार्प और बहुत फिनिशिंग के साथ बनती है। किस तरह से ये फिनिशिंग से आपको ये देख सकते हैं। तो ये आपको धागा किस तरीके से रखना है, इस तरह से इस धागे से ऐसे फंसा के जितना भी एक्स्ट्रा आपकी कैंची में आता है उसको खींचिए आप। बाकी बीच के में जो भी बाल रहते हैं उनको इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। देख सकती हैं दोनों आईब्रो में फोटो खींच लो उसी पर। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी फिनिशिंग नहीं आती है, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि वो इस तरीके से धागे को बैठा के नहीं करती है, उसकी वजह से वो एक एक बाल उखाड़ती है, इस वजह से फिनिशिंग नहीं आती है। देखिए, अब देखिए इस तरीके से फिनिशिंग, अभी मैं ऐसे उखाड़ूंगी तो फिनिशिंग नहीं ला पाऊंगी, इस तरीके से उखाड़ूंगी। ये देखिए, इसी तरीके से आप लोग उखाड़ती हैं तो इस तरीके से जब तक आप धागा बैठा कर नहीं ले आएंगी तब तक फिनिशिंग नहीं आएगी। ये देखिए, इस तरह से आगे लेकर थोड़ा ऐसे आपको लेके चलना है। देखिए बीच में भी चाहिए।